हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप सभी को मालूम है 22 सितंबर है, तो हम लोग 22 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम लोग डेली के डेली टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के लिए शांति और समृद्धि के लिए किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपने नहीं भी पढ़ा होगा, तो थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी होगी आप लगा देंगे कि शेख हसीना जी जो है कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तो आप सभी को मालूम है बांग्लादेश की। ठीक है, तो इनको अवार्ड मिला है, और यहाँ पे पूछा जा सकता है दिया किसने है, तो दिया है टीपी राजदूत टीपी श्रीनिवास ने। ठीक है, टीपी श्रीनिवास जी ने इनको ये अवार्ड दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ किस टीम के कप्तान हैमिल्टन मसाकादजा आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये किसके हैं आपको मालूम है अभी किस किस किसके साथ हो रहा है? तो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछ लेगा हैमिल्टन मसाकादजा जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपको लगाना होगा यहाँ पे क्रिकेट। ठीक है, ये पूछ सकते हैं किस देश से संबंधित है, तो आपको लगाना होगा जिम्बाब्वे। ये है क्या, तो आप सभी को मालूम है ये जिम्बाब्वे टीम के क्या है, कैप्टन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है? तो पहली बार कौन सा दिवस मनाया है, तो विश्व मरीज सुरक्षा दिवस। ये आप सभी को पहले लग भी रहा होगा, तो मरीज सुरक्षा दिवस, विश्व मरीज सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं के इतिहास को नए सिरे से लिखने की योजना को किसने मंजूरी दी? ठीक है, तो भारत की सीमाओं के इतिहास को नए सिरे से लिखने की मंजूरी दी है हमारे जो है राजनाथ सिंह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने जो मंजूरी दी है। बेसिकली अगर इस योजना का उद्देश्य बोले तो शहरों और ग्रामीण नागरिकों को देश की सीमांत क्षेत्रों में, ठीक है, संस्कृत इतिहास व भूगोल के बारे में बेसिकली उनको जागरूक बनाना है। ठीक है, सीमांत क्षेत्रों में। चलिए, विदेशी धन प्राप्त करने वाले वालों के लिए किसने हाल ही में विदेशी फंड नियमन कानून में बदलाव करने की घोषणा की है? ठीक है, तो विदेशी देखिए क्या है, विदेशी फंड नियमन कानून में तो सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं। ठीक है, नीति आयोग हो सकता है, योजना आयोग, नीति आयोग, आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, केंद्र सरकार ने बदलाव करने की घोषणा की है। ठीक है, भारत के किस शहर में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी को लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये किया गया आपका मुंबई। ठीक है, तो ये खंडेरी की बात करें, ये भी अब चर्चा का विषय रहा था, बस ये देखना है कि ये परमाणु हथियार जो है सक्षम है कि नहीं इससे चलाने के लिए। तो ये थोड़ा सा अगर आप सभी को मालूम हो तो उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा खंडेरी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को 2018 के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 22 वैज्ञानिकों को जो है सम्मानित किया है। कितने वैज्ञानिकों को, 22 वैज्ञानिकों को क्या किया, सम्मानित किया है। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में 3री से लेकर 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को कंपलसरी यानी अनिवार्य कर दिया है? किसने किया है, तो ये यूके यानी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि 3rd से लेकर 8th तक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा आपका क्या, संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत को बेसिकली थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है, और ये जो अच्छी बात है भी। ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा घोटाले के बाद किस कंपनी ने करीब 400 डेवलपरों से जुड़े हज़ारों ऐप को निलंबित कर दिया? तो ये कौन हो सकता है, देखिए आप सभी को मालूम है ये आपका कौन हो सकता है। देखिए एक बार देख लीजिए, कैम्ब्रिज है, ठीक है, तो ये आपका कौन है, तो ये आपका हो जाएगा फेसबुक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग इसके क्या है, फाउंडर, आप सभी को मालूम है। ठीक है, फ्रांस के द्वारा हाल ही में भारत की वायुसेना को सौंपे जाने वाले पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये किसके नाम पर रखा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है नाम रखा गया है RKS भदौरिया के नाम पर। किसके नाम पर, RKS भदौरिया। ठीक है, तो इसका RKS भदौरिया इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हम लोग टॉप 10 डिस्कस करते हैं डेली।
ठीक है। और अगर आपने और क्लासेस देखनी है तो हमारी गोल टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप कई सारी उपयोगी वीडियो देख सकते हैं।